कंगना कहे लसना हैप्पी न्यू ईयर, चूड़ी कंगना कहे लसना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट्सएप पे दिल भेजले बाने देखले हड़िया, व्हाट्सएप पे दिल। ससुराले हाँ? अच्छा बड़ा मन कर रहा है जाने का। चलिए भैया। दिल मांगता है दिल 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 मांगता है दिल मांगता है दिल दा सोनिए तू आ जा सोनिया। अरे आओ तो प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। खोलिए और सब सुनाइए कैसे आना हुआ इधर। अरे घूमते घामते आ गए हैं। कुर्सी लेकर आते हैं तो बैठिए। कैसे आना हुआ इधर थोड़ा डिटेल में बताइए। और सब तो ठीक है लेकिन भैया का मन नहीं लग रहा था तो ससुराल चले। हम ही बोले थे कि चलो थोड़ा ससुराल घूम घूम के आवल जाता है समझ गए तो वही घूमते घामते फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है तो हम रास्ता पानी की व्यवस्था करता हूँ। देखो सार है ये इतना साली है ये कितना पे बैठे ना कैसे। प्रणाम ये जी एक नाश्ता कर लीजिए। ना भैया। अच्छा बैठिए बैठिए। नहीं नहीं ठीक है। अरे बैठिए ना बैठिए। नहीं ठीक है बैठिए। मजा कर रहे हैं खाइए खाइए आप लोग। हाँ भाई खाओ। ना भैया आप खाइए ना। लीजिए लीजिए भाई लीजिए। अरे भैया तू खा का है। दादी दादी दीदी के समय चेक करिए आप सब ठीक है ना। दीदी उदी सब ठीक है ना। ठीक है भाई लीजिए चाय पीजिए। अच्छा जी दादी ये बताइए 500 दीदी के शादी कैला हो गया है 5 बच्चे हो गए हैं आप रोकते क्यों नहीं है। इसका जवाब हम नहीं दे रहे तो मैं बताऊंगा। बताओ आप ही बताइए। अच्छा बता ही देते हैं। अच्छा साली जी आप ही के बाबू जी ने कहे थे कि कभी बेटी को खाली पेट मत रखना इसीलिए साले साल दीदी के पेट भरते जाते हैं भैया हमारे। क्या मजाक कर रहे हैं जीजा जी आप लोग। इसमें मजाक से कौन सी बात है भैया जो बोले सब सही है। अच्छा साली साहबा आप ही बताइए कि आपके गांव का सबसे मशहूर चीज क्या चीज है। मशहूर चीज तो मेरी दीदी थी अभी तो आप लेके चलेगा। क्या आपकी दीदी इतना मशहूर चीज थी। अच्छा जीजू अगर हम आपको गाल को चूम ले तो आप क्या करिएगा। चलो अभी चल जाएंगे। क्यों आप समझे नहीं हम बताते हैं भैया क्या कहते हैं। निर्मल बाबा कृपा न करते हैं अगर आप इनको चुम्मा ले लिए तो समझेंगे कृपा न हुआ। निर्मल बाबा कृपा करते हैं तो समझेंगे कृपा हुआ। इसीलिए भैया कह रहे हैं कि निर्मल बाबा के पास चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अब मैं समझ गए। खाती हो वो तो क्या समझोगे भगवान है। साली साहब तुम तो अपने बहन से भी सुंदर ज्यादा लग रही है। फालतू के मजाक करते रहते हैं आप ये दिल्ली मुंबई सब घूमते घूमते पगला। अच्छा वो ये बताइए आप इतने सुंदर के कैसे लगते हैं कौन सा क्रीम लगाते हैं। नहीं जानते हैं मैं ना ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ और फेशियल करवाती हूँ। ब्यूटी पार्लर।
अच्छा जीजा जी, ये बताइए साली को आधा घर वाली क्यों कहते हैं? साली वो चीज है, साली साहिबा सुरार में साली को आधी घर वाली बताई जाती है, मगर दी नहीं जाता है उसका हक। समझ गया? और तू समझा दे। बस कीजिए जीजा जी, मैं पूरा समझ गए। अच्छा जीजा जी, खाना उन्हें बनवा देना। ना नाश्ते से पेट भर गया। अच्छा जीजा जी, मैं चलती हूँ। अच्छा रहिए रहिए रहिए, एक बताइए। हाँ जीजा जी, बोलिए। साली साहिबा, तुमको देखकर हमको एक मन में टेंशन बना रहता है। कौन सा टेंशन है जीजा जी? साली साहिबा, आप बताइए कि इतना अच्छा रसगुल्ला छोड़ के हमको दही बड़ा थमा दिए। ठीक है तो हो गया, मैं चलती हूँ। भैया लोगिन, हाय जीजा साली के, ये वीडियो आपको कैसा लागल? साली तेज वाले के जीजा, रवे लोग फैसला करो। ए भैया, हम तो बीच में मारल गयी, हमको तो कुछो समझ में नहीं किया बात। कम से कम इतना कह देता नहीं कि कम से कम चैनलवा के सब्सक्राइब कर दी। तो का भैया जाए ना? ठीक है, बाय बाय।